एवरीवन, तो अड्डा 24/7 स्कूल में एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है और मैं हूँ श्रेया। प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक प्लान बनाया था जिसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाली थी जो आपके क्लास 11th और 12th के लिए कॉमन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से बच्चे, अड्डा 24/7 स्कूल क्लास 11 12th आपकी कामयाबी के रास्ते को दिखाने की कोशिश करता है और आपके कामयाबी का की कामना करता है। लेट्स गो, वेलकम गाइस। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्लास 12th का हमारा टॉपिक है। अगर आप बात करें क्लास 12th की, तो क्लास 12th में आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस दो टॉपिक का डिस्कशन हुआ है। 11th वाले बच्चों की अगर बात करें तो ये क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी एलिजिबल है, क्योंकि क्लास 11th में हमारा यही टॉपिक कोवेलेंट बॉन्डिंग या फिर कहना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चे, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हो, दोनों तरीके के बच्चों के लिए हमारा आज का टॉपिक यानी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, दोनों क्लासेस के बच्चों ने इस टॉपिक को जरूर देखना है। हम इसमें बताएंगे कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, क्या इसमें समानता है, क्या इसमें अंतर है, कैसे आप वैलेंसी को निकालते हो, इसके गुण क्या है, इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे, बिना समय को नष्ट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर स्लाइड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है वैलेंसी। चलो देखते हैं वैलेंसी क्या होता है। गाइस, वैलेंसी के बारे में मैंने लिखा है, वैलेंसी इट मींस द पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी का मतलब होता है किसी एलिमेंट की पावर, शक्ति और किसी एलिमेंट की कैपेसिटी, है ना, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकती है, या फिर कितने के साथ कंबाइन कर सकती है। क्लियर? इट मींस द पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट, है ना। कोई अगर आपका एलिमेंट है तो उसकी क्या कैपेसिटी है, कितने कैपेसिटी से आपके कॉम्बिनेशन को शो करती है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अपना बॉन्ड फॉर्म कर सकती है, कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने बॉन्ड को फॉर्म कर सकती है, या फिर गाइस कितने इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग द्वारा, या फिर कहना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन के गेन द्वारा अपने बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकती है, तो उस नंबर को हम कहते हैं वैलेंसी। क्लियर? याद रहेगा आपको कि क्या होती है वैलेंसी। चलो अब हम बिना टाइम को बर्बाद किए गाइस आपके सामने कुछ चीजें रखते हैं। सबसे पहले है हमारा रेफरेंस एलिमेंट, है ना गाइस, आई एम सॉरी, यस, सबसे पहले है हमारा रेफरेंस एलिमेंट। क्या है भाई रेफरेंस एलिमेंट? ठीक है, जिसमें आप वैलेंसी की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, देखो हमारा जो रेफरेंस एलिमेंट है वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? वो होता है हाइड्रोजन। एंड गाइस हमें पता है कि हमारे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब जब एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैलेंसी भी एक होगी। क्यों? या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके दो इलेक्ट्रॉन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, मतलब स्टेबिलिटी को गेन करने को इसकी कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, एक। इसी वजह से हमारी वैलेंसी क्या हो गई, एक, मतलब ये बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। क्लियर? इतनी बात में कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट गाइस? अब हम आपके लिए लेते हैं ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताइए भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके ऑक्सीजन में? गाइस देखो, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में 2 और 8 होता है ना, सॉरी 8 होता है ना, मतलब 2.6 क्या रहेगा, 2.6। इसका मतलब ये हुआ इसको दो इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, है ना। इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2। ठीक, चलो क्लोरीन की बात कर लेते हैं, है ना। क्लोरीन जो कि हमारा एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 7, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको, मतलब ये हुआ गाइस इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक, तो हमने रेफरेंस क्या माना, हाइड्रोजन माना, और आपको क्लोरीन और ऑक्सीजन का एक एक एग्जांपल दिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
गाइस, जब हमने इतनी बातें डिस्कस कर ली हैं, तो अब आपसे आपको मैं बताती हूँ कुछ चीजें। जैसे हमारा है HCl, क्या है HCl। अब HCl में क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, है ना। ये देखो ना, इन दोनों में क्या हुआ, इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो इसने क्या किया, शेयर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इसमें क्लोरीन है, क्या है, इसमें जो आपका क्लोरीन है, ठीक, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज यूनिवेलेंट, यूनिवेलेंट, क्लियर। इसी तरीके से दूसरा देखो, आप दूसरे की पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे है हमारा H2O, ठीक, H2O में क्या है गाइस, H2O में हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन रहा है, ये आपका डाइवेलेंट बन रहा है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब है आपका ClO2, क्या है ClO2। अब देखो ClO2 में क्लोरीन आपका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, देख पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्लोरीन है यहाँ पर वो ट्राइवेलेंट है, क्या है, इज ट्राइवेलेंट, क्लियर। चलो गाइस, अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, देखो जरा। सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहीं पर आपको बताती हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा है आपका वैलेंसी, वैलेंसी, ठीक। हम इन दो की बात कर लेते हैं आपसे, जिससे कि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। कलर को चेंज कर लेंगे जिससे कि चीजें थोड़ी सी क्लियर दिखाई दे। गाइस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। एक हो गया आपका एक, दूसरा दो, तीसरा तीन, चौथा चार, पांच, छह और सात, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो, जो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी का एक है, इसका मतलब क्या हुआ गाइस, कि अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, क्या करे, अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, है ना, तो क्या होगा, आसानी से इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये हुआ गाइस, इसकी वैलेंसी हो जाएगी एक। इसी तरीके से दो की देखो, अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब कम इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेगा, इसका मतलब इसके भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, दो। तीसरा देखो, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो गाइस इसकी वैलेंसी हो जाएगी तीन। गेटिंग माई पॉइंट, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो चौथी बात कर लेते हैं। फोर्थ है हमारा ये, फोर्थ में क्या है, हमारे ऑक्टेट होता है आठ का, मतलब ये बीच की बात हो रही है चार। इसे ना तो ये पूरी तरीके से आसानी से डोनेट कर पाएगा और ना ही आसानी से एक्सेप्ट कर पाएगा, मतलब ये आसानी से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। एंड गाइस, शेयरिंग करके ये अपने चार इलेक्ट्रॉन को शेयर करके चार चार का पेयर बना लेगा, मतलब आठ हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और आठ का जब आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। मतलब क्या हुआ, फोर्थ मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, क्या कहता है हमारा फिफ्थ। गाइस, फाइव जो नंबर है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब ये आसानी से लूज नहीं होंगे, ये आसानी से लूज नहीं हो पाएंगे, तो भाई इसको दो तरीके हैं, या तो ये शेयरिंग करके अपने बॉन्ड का पेयरिंग कर ले, अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले, या फिर दूसरा है कि ये गेन कर ले, किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। मतलब अगर ये गेन करेगा तो इसे कम इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, बट अगर देगा तो ज्यादा देने पड़ेंगे, तो ये क्या करेगा, गेन करके अपने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा या फिर अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेगा। इस वजह से गाइस इसकी स्टेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसने तीन इलेक्ट्रॉन गेन किए ना, तीन हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगी, मैं इसका कलर चेंज करके लिख देती हूँ। नेक्स्ट है सिक्स।
छठे में भी क्या होगा, इसे कम इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, और जब कम इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे तो क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी गेन कर लेगा ये, मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन को अगर ये ले ले तो ये स्टेबिलिटी पा लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सेवेंथ में क्या होगा, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, किसी से ले ले, तो क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब ये होगा कि यहाँ इसकी वैलेंसी एक हो जाएगी। अब आपको वैलेंसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाइस ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, चलिए बिना समय को नष्ट किए हम इसकी बात कर लेते हैं। गाइस मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच द एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेस और गेन इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। क्या बोला मैंने कि अगर कोई जो नंबर है इलेक्ट्रॉन के, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच द एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेस, कोई आपका एटम है ठीक है, या फिर कोई आपका कंपाउंड है, उसमें जितने आपके इलेक्ट्रॉन लूज हो या फिर गेन हो, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हो या फिर गेन हो रहे हो, तो उन नंबर को, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहते हैं उसे, उस कंपाउंड के का ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब इसी बात को हम हिंदी में समझते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण को एक पदार्थ से ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व के अलावा, आपका ऑक्सीजन या फिर कोई और इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व उसके अलावा, या फिर एक सब्सटेंस से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व के रिमूवल द्वारा परिभाषित किया जाता है। मतलब ये हुआ कि या तो आपकी किसी पदार्थ में, किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व या फिर हाइड्रोजन या फिर कोई भी आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व रिमूव हो जाए, तो उसे, उस संख्या को, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, जैसे आपका Mg और O2 है, तो Mg क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया करके MgO में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का आपका रिमूवल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सॉरी, ऑक्सीजन का आपका एडिशन हो गया। नेक्स्ट देखो H2S में क्या हुआ, इसने रिएक्शन करी, यहाँ से आपका सल्फर बना और H2 ने ऑक्सीजन का एडिशन करके H2O बनाया, मतलब ऑक्सीकरण हो गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे उच्च विद्युत ऋणात्मक यानी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व के साथ जब रिएक्शन हुई, उसका एडिशन हुआ, तो आपका क्या बन गया, MgCl2 बन गया, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, कि हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करता है, क्लियर। चलो गाइस अब इसे देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, गाइस जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यानी जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कई तरीके का हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। और हमारी ऑक्सीकरण संख्या कैसी होती है, या ये या तो पॉजिटिव जीरो हो सकती है, मतलब अगर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो गाइस इसका मान शून्य भी हो सकता है। वहीं पर अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो यह पॉजिटिव हो सकती है, मतलब अगर आप किसी भी एलिमेंट को लॉस हो रहा है, जैसे H+ है ना, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या का मान धनात्मक आएगा। गाइस इसी तरीके से अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा हो, जैसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो आपकी ऑक्सीकरण संख्या का मान निगेटिव होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या का मान निगेटिव होगा। बात करें ऑक्सीकरण नंबर की, तो प्यारे बच्चे ये हमारा फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में भी हो सकता है, लिख देती हूँ मैं, भिन्न में भी हो सकता है और होल नंबर में भी हो सकता है, यानी एक पूर्णांक भी हो सकता है, क्लियर। समझ में आया, क्या मैंने बताया कि आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका
सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है या फिर होल नंबर में हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब आपका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा हो, लॉस कर रहा हो। नेगेटिव कब होगा? जब आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो, तो आपका ये नेगेटिव होगा। वहीं पे फ्रैक्शन कब होगा? जब आपका भिन्न में हो। होल नंबर कब होगा? जब आपकी पूर्ण संख्या हो। तो ये चार आपके पॉइंट है जिसमें आपकी ऑक्सीकर संख्या पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी का गुण, हमने अभी ऑक्सीकरण के गुण की बात करी थी कि ऑक्सीकरण जो हमारा होता है, फिर ऑक्सीकरण संख्या होती है, वो चार तरीके की हो सकती है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन या फिर पूर्णांक। इसी तरीके से अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो गाइस वैलेंसी हमारी कभी भी पॉजिटिव नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ध्यान रखना हमेशा, वैलेंसी हमेशा हमारी कंप्लीट होती है, कभी भी वो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर फ्रैक्शनल नहीं होती। क्लियर? चलो क्या लिखा है मैंने, वैलेंसी इज प्योरली अ नंबर। ध्यान रखना कि वैलेंसी हमारी क्या होती है, वैलेंसी मतलब संयोजकता, संयोजकता क्या होती है, पूर्णता संख्या होती है। क्लियर? एंड नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, और इसमें कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं होता। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस, ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं आपको निकालना बताती हूँ कैसे कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर को निकालोगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी मे बी इक्वल न्यूमेरिकली। अगर नंबर की हम बात करें तो आप ये देख सकते हो कि किसी भी यौगिक का, कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी लगभग लगभग बराबर होती है, और पूरी तरीके से भी बराबर होती है। कैसे, देखो जरा, जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं गाइस, इसमें क्या हो रहा है, हमारा मैग्नीशियम एक धातु है ना, ये क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्यों, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। तो इसने क्या किया, अपने दो इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg क्या हो गया गाइस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg आपका हो जाएगा +2, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। क्लियर? इसी तरीके से दूसरा देखो, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इसने क्या किया है, इसने आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, मतलब -2, ये क्या है, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करें वैलेंसी की, क्या करें, ये तो बात हो गई ऑक्सीडेशन की, अब हम बात करें वैलेंसी की, संयोजकता की, संयोजकता यानी आपकी वैलेंसी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी 2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इन्हें बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई। समझ में आया। नेक्स्ट देखो H2S का, गाइस H2S में क्या होगा, H2S, ठीक है, इसमें हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या दिख रहा है आपको, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी जो कि इसने हाइड्रोजन से ले लिए, इसका मतलब -2। ठीक है, तो अब वैलेंसी की अगर बात करें गाइस, वैलेंसी यानी संयोजकता की बात करें, तो वैलेंसी ऑफ सल्फर क्या हो जाएगी गाइस, वो हो जाएगी 2, क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी मे बी इक्वल न्यूमेरिकली। ठीक है ना, ये बात अब हो जाएगा दूसरा, कि आपके जो ऑक्सीडेशन नंबर है या फिर आपकी वैलेंसी है, वो मे नॉट बी इक्वल न्यूमेरिकली। अभी हमने बात करी थी कि आपके इक्वल हो सकते हैं, अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि इक्वल नहीं भी हो सकते। कैसे, देखो जरा गाइस, जैसे है Fe3O4, तो अगर हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो कैसे निकालोगे, मान लेंगे कि हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर Fe का है वो X है, तो आप अगर यहाँ पर X की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3×X+4×-2=0, यही तो हो जाएगा। तो आपकी X की वैल्यू क्या आ जाएगी,
तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -8 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ x बराबर 8y3, है ना। देखो जरा, यही तो आई, हमने क्या किया, वैल्यू को पुट किया, x का मान निकाल लिया। इसका मतलब हमारी Fe की ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 8y3। क्लियर। अब बात कर लेते हैं वैलेंसी ऑफ Fe। गाइस, ये जो हमारे Fe4 है किससे मिलकर बना है, आपके FeO से और Fe2O3 से, इन्हीं दोनों से तो मिलकर बना है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो आपकी FeO की वैलेंसी है, Fe की वैलेंसी है, वो क्या हो जाएगी, 2 और 3, मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। क्लियर, समझ में आया। कैसे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड थी और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की। ये था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का टर्म। चलो इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्या कह रही है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, फॉर्मल चार्ज। गाइज, अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हैं। फॉर्मल चार्ज, दिस इज द कैलकुलेटेड चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड पर या फिर किसी भी कंपाउंड में उपस्थित एटम पर कैलकुलेटेड चार्ज आपका क्या है, ये हम इस सूत्र द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंपाउंड है, उसमें कोई एटम है और उस पर कितना चार्ज है, उसे आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। क्या है सूत्र, फॉर्मल चार्ज बराबर V-U-SY2। क्लियर। तो यहाँ पर V आपका क्या हो गया, V बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। V आपका क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। U आपका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और S आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड का मतलब जो आपका शेयर नहीं हुआ हो, ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, अनशेयर्ड मतलब जो आपका शेयर ना हुआ हो। शेयर नहीं होने का मतलब किसी किसी के साथ भी आपका उसका पेयरिंग ना हुआ हो, समझ जाना गाइज आप लोग। एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जिसने कोई बॉन्ड फॉर्म कर लिया हो, ठीक है। तो ये 3 आपके पार्ट हो गए। तो फॉर्मल चार्ज होता है V-U, V मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस SY2। इस सूत्र को लगा के हम किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलो इसको भी देख लेते हैं। गाइस, फॉर्मल चार्ज की बात हो रही है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब देखो इसे कैसे करना है। जैसे हमारा है NH4 पॉजिटिव, क्या है, NH4 पॉजिटिव, तो इसमें आपको N पर फॉर्मल चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, N पर फॉर्मल चार्ज। कैसे निकालोगे N पर फॉर्मल चार्ज, बताओ। देखो जरा, सबसे पहले हम इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे लुईस स्ट्रक्चर, H N H H H। क्लियर, कैसे, इसको जरा मैं और थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। देखो यहाँ पर हो गए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर हो गए हमारे नाइट्रोजन के। गाइस, नाइट्रोजन पे जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5 होते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव का साइन लगा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल चुका है, इसलिए हमने 4 से दिखाया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आप लगाओ फॉर्मल चार्ज का सूत्र, एफ का सूत्र। क्या लगाओगे एफ का सूत्र, देखो जरा, एफ बराबर V-U-SY2। और आपको पता है वी क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, बताओ, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए। गाइस, ये आपके हो गए 1, 2, 3, 4 और ये एक आपका 5, ठीक है, तो 5। अब है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यू होता है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी आपका ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो अनशेयर्ड हो, इसका मतलब 0। अब है SY2, तो यहाँ पर S की वैल्यू आपकी कितनी दिख रही है आपको, बताओ कि यहाँ पे आपको S की वैल्यू कितनी दिख रही है, देखो। अब S की वैल्यू हमारी होती है नॉर्मली 8, है ना, तो 8y2। अब इसे सॉल्व करो, अब इसको आप सॉल्व करो,
करने पर इसका मान आ जाएगा 4 - 2 * 8 मतलब 1। तो आपके नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज आ गया 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है। गाइस जगह नहीं है वरना आपको मैं दूसरा क्वेश्चन बताती। चलो मैं यहीं पर बताने की कोशिश करती हूँ, इधर देख लेना आप लोग यहाँ पर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है SO2। क्या है? SO2, ठीक है ना, सॉरी हाँ SO2, ठीक है। तो SO2 कैसे बनेगा आपका, जस्ट अ मिनट यहाँ बना देती हूँ। क्लियर। तो ये आपका हो गया SO2। अब SO2 में आप कैसे दिखाओगे, देखो F बराबर हो जाएगा V - U - SY2। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। U की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है, सॉरी U की वैल्यू जाएगी 2। कैसे, क्योंकि हमारे सल्फर पे 2 आपके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैं थोड़ा क्लियर करके इसे बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट, ऐसे हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ। गाइस 2 मिनट रुकना, हाँ ये देखो ऐसे करके देख लो। तो यहाँ पे सल्फर पे आपके 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिखा देंगे। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब SY2 का मतलब 8/2। अब इसे सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो गाइस आपकी कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी बताओ जरा। तो देखो 1/2 × 8 कर लिया, अब देखो ये हो जाएगा आपका 4, तो 4 - 4 = 0 समझे। तो इसका वैल्यू आ गया आपका 0। नेक्स्ट है कैलकुलेटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन रूल। तो गाइस इसको हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इसको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे क्योंकि आपको है ना बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। चलिए गाइस अभी के लिए बस इतना ही। आपने क्या करना है, जितने मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उनको रिवाइज करना है, क्योंकि अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ नियम। तो उनको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने इस टॉपिक पर पकड़ बनानी होगी। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय ऑल, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। Thank you.